जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर में मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो है विभिन्न देशों के बीच होने वाले बंदरगाह से संबंधित समझौते। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की। शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ी बात कि समझौता दो देशों के बीच क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास बंदरगाह है और कोई देश उसमें निवेश कर रहा है, तो क्यों निवेश करता है? तो निवेश होने का कारण बस एक ही होता है, जैसे कि व्यापार में विकास हो, आर्थिक विकास हो, और तो और परिवहन में जो खर्चा होता है वो उनका ना हो, यानी कम हो, इससे इनका पैसा बचेगा। इस समझौता से एक और फायदा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि जगह जगह मैंने हर देशों से समझौता किया है और वहाँ पर बंदरगाह लिया हुआ है, और वहाँ पर मेरे नौसेना के सैनिक लोग वहाँ पर स्थापित हैं। अगर मान लीजिए इत्तेफाक से कभी युद्ध हो जाए तो किसी देश को चारों तरफ से घेरा जा सके, ये भी फायदा आपको इनडायरेक्टली दिखता है। तो आइए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली मैंने जो भी आज समझौता लिखा है वो भारत और चीन, यानी भारत ने किन किन देशों के बंदरगाहों के लिए समझौता किया है और चीन ने किन देशों के साथ समझौता किया है। तो आइए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं चीन का। ठीक, यहाँ जस्ट देख रहे हैं भारत के ऊपर चीन है, यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसे हम बोलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक बंदरगाह है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्वादर। ग्वादर बंदरगाह में चाइना जो है बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है और उसे आधुनिक तरह से बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। इस तरह से देखा जाए तो संपत्ति आपका रहा पाकिस्तान का और पूरा विकास कर रहा है चाइना। इससे चाइना को भी फायदा होगा और कुछ आर्थिक लाभ आपको पाकिस्तान को भी मिलेगा। दूसरा यहां है श्रीलंका, और ये है आपका बंदरगाह जिसको हम लोग बोलते हैं हमनटोटा। क्या है कि चाइना ने कुछ उधार दिया था श्रीलंका को, श्रीलंका ने समय पे वो उधार वापस नहीं किया, तब श्रीलंका ने 99 वर्ष के लिए ये बंदरगाह यानी हमनटोटा बंदरगाह को लीज पे दे दिया है चीन को। अब देखिए चीन को कैसे फायदा हो जाएगा। एक तरफ यहाँ पे ग्वादर है, एक तरफ यहाँ पे हमनटोटा है। अगर इत्तेफाक से अगर युद्ध होता है भारत और चीन के बीच में, तो यहाँ से भी आराम से सैनिक आ सकता है और यहाँ से भी ये सैनिक आसानी से आ सकते हैं। एक नेचुरल है कि नौसेना का सैनिक लोग यहाँ पर स्थापित होंगे ही होंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका है, और अफ्रीका का इसे हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसी में एक देश है जिसे हम लोग बोलते हैं जिबूती। जिबूती में एक बंदरगाह है जिसका नाम है डोरा लेक बंदरगाह। डोरा ले बंदरगाह का समझौता हुआ है किसके साथ, तो चीन के साथ, और चीन का पहला विदेशी, लिख देता हूं मैं, विदेशी नौ सेना केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पे? तो जिबूती में। जिबूती में कौन सा बंदरगाह? तो डोरा ले। ये तीन बंदरगाह जो हो गए आपका चीन के साथ समझौता हुआ है। अब बात करते हैं भारत ने किन किन देशों से समझौता किया है। तो यहाँ पे है, बगल में है आपका पड़ोसी देश म्यांमार। म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसे हम लोग बोलते हैं सिद्वे। ठीक, वही परिवहन और आर्थिक विकास के लिए यह समझौता हुआ है भारत और म्यांमार के बीच में इस बंदरगाह के लिए। एक्चुअली ये बंदरगाह जो है जस्ट एकदम मिजोरम से सटा हुआ है, यानी कुछ दूरी पर है, और मिजोरम से एक नदी निकलता है जिसे बोलते हैं हम लोग कालादानी नदी। उसी कालादानी नदी पर ये बंदरगाह स्थापित है। अगला आते हैं, यहाँ देख लीजिए सिंगापुर है, यानी थाईलैंड, मलेशिया, मलेशिया के बाद यहाँ पे सिंगापुर, और सिंगापुर में जो बंदरगाह है वो है चांगी बंदरगाह, और चांगी बंदरगाह के लिए समझौता हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। इधर आते हैं, ये बड़ा फेमस है, अभी हाल ही का ये करेंट में है एकदम, ईरान। ईरान में एक बंदरगाह है यहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं चाबहार बंदरगाह। इस बंदरगाह का भी समझौता आपका ईरान और भारत के बीच में हुआ है, जिससे आपका व्यापार में और परिवहन में काफ़ी सुविधा मिलने वाला है भारत को। और एक चीज़ और भी है, इस बंदरगाह को हम लोग साहिद, बहासत के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं, इधर है आपका सेसेल्स। जस्ट
आपका हिंद महासागर, इधर आपका मेडागास्कर है, मॉरिशस है, ऊपर में आपका सेशल्स है। सेशल्स में एक द्वीप है अजम पसंद द्वीप। यहां पर भारत का पहला विदेशी नौसेना केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आईएएस के एग्जाम के लिए, पीसीएस एग्जाम के लिए, और तो और अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम होंगे, ये बंदरगाह आप जरूर याद करके जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद।